उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। आज समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि भाजपा का एक जाना माना चेहरा, इतना बड़ा मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो आज सपा पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक अच्छा खासा वोट बैंक वो अपने साथ लेके आएंगे सपा पार्टी के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे सभी लोग जश्न मना रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि भाजपा के जो नेता हैं सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, कुछ और विधायक हैं, कुछ और मंत्री हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप मेरे इस तरफ देखेंगे, ये जो मंच है यहाँ पे अभी प्रेस वार्ता होने जा रही है, ज्वाइनिंग कराई जाएगी स्वामी प्रसाद मौर्य को, कुछ विधायकों को समाजवादी पार्टी में। एक लंबा मुकाबला होगा इस बार के चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी पे, क्या असर पड़ने वाला है इस ज्वाइनिंग का, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है। आइए यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं से जानते हैं, क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बदलाव होने वाला है? इस समय जो स्टेज पे प्रेस वार्ता है उसमें लगभग 14 MLA भाजपा के, 3 मंत्री आने वाले हैं, बैठे हुए हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो पिछड़ों का अपमान हुआ है, दलितों का अपमान हुआ है, शिक्षक घोटाला, भर्ती घोटाला हुआ है, और अखिलेश जी के काम, जितने भी विकास के काम थे सब अपने नाम पर किए गए हैं। इनका काम था राम नाम जपना और अखिलेश जी काम अपना, और कोई काम किया ही नहीं है बाबा ने। इतना बड़ा चेहरे है वो भाजपा सरकार का, उनका यहाँ शामिल होना, उसके बाद उनके इस्तीफे के बाद भी काफ़ी कोहराम मच गया पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की संख्या बहुत है, उनका अपमान, मंत्री कैबिनेट मंत्री थे पूरे पाँच साल में, उनकी सुनी नहीं, किसी पिछड़े के लिए कोई मदद नहीं की, कोई काम भाजपा ने नहीं किया, सिर्फ एक जात का जो मुख्यमंत्री जी हैं अपने जात के लोगों को बढ़ाते रहे और इन बेचारों का सबका अपमान करते रहे। समाजवादी पार्टी इनको सम्मान दे रही है, इससे बड़े और क्या हो सकता है? और फिर अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सब पिछड़ों दलितों के काम होंगे और सम्मान मिलने का काम होगा। काफ़ी खुशी हो रही होगी आज, यहाँ की भीड़ देख के ही लग रहा है, किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भीड़ तो हमेशा रहती है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों में अंतर है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव की स्थिति आ गई है, जनता 5 वर्षों से करा रही थी, आम जो जनता होती है, कार्यकर्ता तो विरोध करता है, आम जो जनता होती है वो 5 साल इंतजार करती है बटन दबाने का, वो समय अब आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से नौजवान विरोधी, पिछड़ा विरोधी, रोजगार जो सरकार नहीं दे पाई, कोई काम नहीं किया, स्वास्थ्य शिक्षा का कोई बेहतर इंतजाम नहीं हुआ, तो प्रदेश की जनता एक बार पुनः आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है। और जो लोग आज हमारे दल में आ रहे हैं, चाहे वो आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे दारा सिंह चौहान जी हों, धर्म सिंह सैनी जी हों, ये लोग पिछड़ी जाति के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। ये लोग अपमान का घूंट पी रहे थे 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जब मौका आया तो इन्होंने उस पार्टी को लात मारने का काम किया है और हमारे साथ आ रहे हैं। दलित वर्ग के और पिछड़े वर्ग के नेताओं की एक बड़ी जमात आदरणीय अखिलेश यादव जी के रूप में, आदरणीय अखिलेश जी में भरोसा करके आज नेतृत्व में उनके आस्था जताते हुए बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं। हमारे सभी नए और पुराने और सभी साथीगण जो बिना किसी निमंत्रण, बिना किसी आमंत्रण के आज लखनऊ की सारी सड़कों को जाम में परिवर्तित कर दिया है, ऐसे बहादुर, जैसा कि आप जानते हैं, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है कि चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनकी जगह को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। हमारे साथ मंच पर बहुत ही पुराने नेता और जमीन से जुड़े हुए, लगातार गरीबों के लिए शोषित वंचित और तमाम वो लोग जिन्हें अभी भी न्याय नहीं मिला है, उनकी लड़ाई लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मंच पर उपस्थित
पूर्व में रहे मंत्री धर्म सिंह सैनी जी, विधायक भगवती सागर जी, विधायक विनय साक जी, विधायक रोशन लाल जी, विधायक मुकेश वर्मा जी, विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति जी, विधायक चौधरी अमर सिंह जी, पूर्व विधायक अली यूसुफ अली साहब, जो 11 तारीख को जाना था जिन्हें वो आज ही चले गए मौर्या जी के डर से। मैं एक एक विधायक, एक एक पूर्व विधायक, एक एक मंत्री का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। कई मौकों पर मैं मिला भी हूं, आए हुए कार्यकर्ताओं का भी बहुत स्वागत करता हूं। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आए, बड़ी संख्या में समाजवादी नेता कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। जहां मकर संक्रांति की मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, वहीं एक दुखद घटना घटी है। एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और एक बहुत ही सुलझे पत्रकार, एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और एक बहुत सुलझे हुए पत्रकार, वो आज हमारे बीच में नहीं है। जब कभी भी वो अपनी बात को रखते थे या घटना के बारे में जानकारी देते थे, शायद ही देश में कम ऐसे पत्रकार होंगे जो इतने सलीके के साथ बातें रखते थे। जहां उन्हें उर्दू के बारे में जानकारी थी, हिंदी में भी वो जानकार थे, और किस शेर को किन परिस्थितियों में किस समय पर कहा जाए, शायद वो हुनर ऐसे ही पत्रकार के साथ था। आज कमाल खान हमारे बीच नहीं है, हमें दुख है इस बात का। एक बहुत अच्छे पत्रकार थे जिन्हें हमने अचानक खो दिया। हम सब उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख को सहने की शक्ति पूरे परिवार को, उनके सहयोगी साथियों को दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे आए हुए सभी नेताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ सबका यही कहना है कि जो दलित वर्ग के कुछ नेता हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हैं, वो भाजपा का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 5 साल में जो अपना अपमान उन्होंने सहा है भाजपा सरकार में, एक ये उसी का उदाहरण हम समझ सकते हैं कि जब चुनाव इतने नजदीक हैं तो एक ऐसा झटका दिया है भाजपा को। अब देखना होगा कि अब चुनाव में एक महीना भी नहीं बचा है, 10 फरवरी से यहां पे चुनाव का आरंभ हो जाएगा, क्या कुछ नतीजे आते हैं। 2017 की तरह बहुमत से भाजपा की सरकार बनती है या जो इस तरीके के दल बदलू नेता है इनसे समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कुछ बढ़ता है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज, लखनऊ।